अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आपकी न्यू होस्ट हयाम बट और आप मुझे देख रहे हैं अजमल रहीम ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे हम करेंगे आपको बताएंगे कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है, आपका ये हफ्ता और आने वाला हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। जी हां, वीकली प्रेडिक्शंस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किन किन इकदाम के जरिए और कैसे अपने लाइफ को जो है आने वाले दिनों को सेव कर सकते हैं। और मेरे साथ है None other than great Mr. Ajmal Rahim sir. Assalamu alaikum sir, कैसे हैं? वालेकुम सलाम याम, आपका बहुत शुक्रिया, आप आज मेरे साथ प्रोग्राम शुरू किया और ये और परमानेंट ये आप हमारे साथ प्रोग्राम करेंगी, आपके सवालों का जवाब भी देंगी और ये इसको भी डिस्कशन करेंगे। ये वैसे भी एक प्रोग्राम मेरे साथ एज ए होस्ट भी कर रही हैं, लेकिन आइंदा से ये हफ्ता कैसा गुजरेगा करेगा। याम बहुत शुक्रिया यू ज्वाइन मी, आप थोड़ा सा अपना तारुफ भी करवा दें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं आपके साथ जो है वो काम कर सकूं और अपना तारुफ करवाती रहूं कि मैं यूट्यूबर भी हूं, होस्ट भी हूं और इसके अलावा जो है एक्टिंग भी करती हूं। अब छोटी मोटी एक्टर हूं तो आप जानते हैं, सो इसी तरह बस, और इसके अलावा जो है वो मैं राइटर भी हूँ, लाइक स्क्रिप्ट राइटर हूँ। सो बस ऐसे ही ये बड़ी पढ़ी लिखी हैं, ऐसे अपने कसरे नफसी से काम ले रही हैं। एनी हो, ये हफ्ता हमारा अयाम 29 मार्च से 4 अप्रैल के दरमियान वाला हफ्ता। एक्वेरियस, अब आपकी बारी है, देखते हैं कि आपका हफ्ता जो कि 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का है कैसा गुजरता है। याम ये मैं, क्योंकि मेरी सिस्टर का भी है, मेरी भी सिस्टर का है बड़ी बहन, और मेरी जो सिस्टर अमेरिका में रहती है डॉक्टर है, और वो बड़े गौर से सुनती है और बड़ा क्रिटिकल, वो मेरी बड़ी क्लास भी लेती है, कहती होती है ये कागज उठा के इधर उधर कर रहे होते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं, लिहाजा सुकून से आप बोला करें। अच्छा, सारे के एक्वेरियंस जो है ना वो एक्वेरियंस ऐसे ही हैं। एक्वेरियन पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा, बहुत सुलझे, बहुत डर, पता नहीं, इनको तंकीद बहुत करते हैं, तंकीद भी बहुत होते हैं। इनको हमेशा नॉलेज के बेस पे इम्प्रेस किया जा सकता है, उनकी तरीफे तरूफे करो जो मर्जी करो, आप उसे कहें यार बहुत अच्छे आपने आर्गूमेंट दिया है, ये बोल दिया इसमें ये भी ऐड कर, तो वो उस बात पे खुश होते हैं। अगर आप इन पे के साथ इनका मस्का वगैरह लगाए ना, ये मस्का नहीं लगा होते। ट्रू है, ठीक है, उनको कह दो ना ये वेरी स्मार्ट लेडी और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत क्या बात है। अच्छा, जो एक चीज याद रखना, जो क्वेरियन मर्द होते हैं ना, इनमें ना औरतों के असरात ज़्यादा होते हैं। आप अक्सर देखें ये औरतों में बैठे होते हैं, औरतों में खुश रहते हैं और औरतों जैसी हरकतें करते हैं, उसे ही जिसे कहते हैं फप्पे कुटनी मर्द, मतलब जो नहीं नहीं नहीं, इन पे ये ऐसे मिसाल के तौर पे देता हूँ कि क्वेरियन वो बंदा जिनकी 6 बहनें एक भाई है। अच्छा, ठीक है ना, और अगर वो भाई एक्वेरियस है, पक्की पक्की वो औरतों में बैठे, औरतों वाली बातें करेंगे, सिलाई कढ़ाई, हमारे एक दोस्त होते थे तो वो सिलाई कढ़ाई खाना पकाना ये वो सारा औरतों वाले काम करते थे। तो इनमें एक सलीका मंद खतून छुपी होती है मर्दों में। सो इनका स्टार्ट बहुत अच्छा होगा, ये क्योंकि एक दिन पहले ये चैरिटी करके हटे, इन्होंने बात की है, तो इनके चेहरे पर उस दिन रूहानियत सी होगी बहुत ज़्यादा, और एक चैरिटी वाले मोड में एक इंट्यूशन जो कहते हैं ना इनके चेहरे पे होगी, स्पिरिचुअली चार्ज होंगे और बड़े प्यार मोहब्बत से ये हर लोगों को पेश आएंगे और काफ़ी एक दूसरे की मदद करते नज़र आ रहे हैं। अलहामी कंडीशंस इन पे सवार होगी और काफ़ी, और उस दिन भी लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं, गौर व फिक्र करेंगे और काफ़ी इनकी जो मेडिटेशन बड़ी बेहतर होगी, और यहाँ पे ये फोरकास्ट बड़ा अच्छा करेंगे, बड़ा अच्छा फार साइटेड होंगे, फ्लाई काम बहुत करेंगे, इनकी इंट्यूशन बड़ी तेज़ होगी, थर्ड कंसेप्शन के इनकी खुशखबरी मिल सकती है उस दिन, ठीक है। लेकिन और जिनकी मतलब नहीं है, कोई अभी कंसीव नहीं किया, वो जनरल मैं हर एक की एक साइकी होती है ना, लेकिन वो लोग जिनका तीसरा बच्चा पैदा करने के प्लानिंग है, तो उस दिन कोई ना कोई इस किस्म की उनको खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि अब यह इनका जो नौवां घर है ना वो लिब्रा है, और लिब्रा इस वक्त बड़ा पॉजिटिव है, और उसका मीडिएटर जो है ना वीनस इस वक्त वो बैठा है सन में। अच्छा, ठीक है, लिहाजा रोमांटिज्म भी बहुत हुआ हुआ है, हर चीज़ अच्छी हुई है, और 4 तारीख को वहाँ पे क्यूरियस ने भी आया ना, 4 तारीख को ये लोग ना बड़े तेज़ होंगे, अपने इनकी एक उठान ही बड़ी होगी, वो अगले हफ्ते के प्रोग्राम में बताएंगे हम इनको। एनी हो, आगे चलते हैं,
30-31 को ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स इनके आएंगे। किसी किस्म की अगर आप बिज़नेस करते हैं तो किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना, किसी किस्म के आपने बढ़ चढ़ के काम नहीं करना, आपको रूटीन में रखना है। रिस्क नाम की कोई चीज़ नहीं लेनी, आपने उस दिन बॉस के साथ नहीं बिगाड़नी। आपका स्टेटस कोई ना कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐसी हो सकती है जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, कोई ख़बर इस तरह ही मिल जाएगी कि आपके स्टेटस को कोई प्रॉब्लम, या कोई ना कोई ऐसा बात आ जाएगी गवर्नमेंट, आपकी कोई इंक्वायरी आ सकती है, कोई कुछ आ जिससे आप डिप्रेस हो जाएंगे, जिससे आपकी थोड़ी सी डिफेमनेस भी होने के चांसेस है। तो इस किस्म का काम होगा, लेकिन आपने उस दिन मसरूफ़ रहना है, अपने काम में काम रखना है और क्रिएटिव काम करना है, और कोई किसी किस्म के नेगेटिव चीज़ों में नहीं पढ़ना। अल्टीमेटली रिजल्ट आपके हक में होगा और यू विल सक्सीड टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज इवल्स, ठीक है ना। तो इसलिए ना परेशान नहीं होना और अपने काम से काम रखना है, अपने वालद साहब की सेहत का भी ख्याल रखना, उनके साथ ज़रूर क्रॉस टॉक नहीं करनी, उनके साथ ज़रा थोड़ा सा गपशप लगानी है। उसके बाद क्वेरियस 1, 2, 3 को ये बड़े चलाकियों का मुजाहरा करेंगे। 11वां घर है, ये सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, तेज़ियाँ दिखाते हैं, फुर्तियाँ दिखाते नज़र आ रहे हैं, कभी उधर भाग कभी उधर भाग। अच्छा, फिर यहाँ पे अपने बड़ों को भी चकमा दे के काम निकाल लेंगे, और नहीं पॉजिटिव चकमा, मस्का लगा के। अच्छा, और उस दिन ये भाग दौड़ बहुत करते हैं, यानी कि कहते हैं जद्दोजहद, लेकिन जहाँ पे रुकावट आएगी यहाँ पे फिर लिहाज नहीं करेंगे, अंडर कार्पेट लिहाज तो ये लोग ऐसे भी नहीं करते। नहीं नहीं, क्वेरियन हाँ बात सही है, थोड़ा सा क्वेरियन अपनी मर्जी करने वाले लोग हैं, और इनकी अपनी कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये बाय हुक एंड क्रुक अपना काम निकाल लेंगे, ठीक है, और एम्बिशियस विशेज पूरी करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। यहाँ पे इनके पार्टनर का स्पाउस का रोल बहुत होगा, ये अपने पार्टनर को जिच ना करें उस दिन, बस ये थोड़ा सा ये 3 दिन, ये कौन से 1, 2, 3 को, हाँ 1, 2, 3 को। 4, 3 को ये लोग महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगे, बाहर खाना खाएंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, और ये हमारा प्रोग्राम सुनेंगे इतवार को घर में बैठ के, महंगी महंगी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाएंगे। तो 4 का इनका सुकून काटेंगे, और वो लोग जिनकी खुफिया शादियाँ हैं वो उनके पास टाइम गुजारेंगे। वेल डन, वेरी गुड। तो ये इनका, तो ये था एक्वेरियस का जो 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का हफ्ता। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और अजमल रहीम साहब को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।